एवरीवन, गुड मॉर्निंग. और सब लोग आज संडे है तो मॉर्निंग में सो रहे होंगे. मैं 8:30 पे उठ के तैयार हो रही हूँ. एक्चुअली मुझे पुलिस लाइन में भी कुछ प्रोग्राम है और एक मेरी फ्रेंड है उसका नोएडा स्टेडियम में प्रोग्राम है, तो वो कह रही नहीं आपको आना है तो वहाँ भी जाना है. फिर फटाफट मैं रेडी हो रही हूँ. और पता नहीं मुझे, मतलब मैं योगा एक्सरसाइज तो थोड़ा थोड़ा छोड़िए, और कल मुझे इंजेक्शन लगा था तो वो बहुत पेनफुल हो रहा है क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है. ठंड बहुत, थोड़ी सी ठंड है और मैंने ये ड्रेस पहनी है क्योंकि प्रेस मेरा ख़राब है और प्रेस नहीं हो पाए थे कपड़े, तो मैंने कहा ये डाल लेती हूँ. और नीचे कुछ भी लेगिंग पैरों में डाल लिया है तो ताकि ठंड ना लगे जाने के लिए. और अब जा रही हूँ, सिर्फ ऑरेंज जूस पीऊंगी इतनी जल्दी. मॉर्निंग में कुछ भी नहीं हो सकता है. और ऊपर मैं जैकेट डाल लेती हूँ. और ग्राउंड में अबेकस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है. बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपने मोमेंट्स को. और हमारे सीनियर्स की वाइफ हैं जो कि ये ग्रुप में कराती हैं, एक मामा सारथी ग्रुप है, उसके द्वारा ये सारा किया जाता है. तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है. सो स्वीट. गुलाबी दिल, काला दिल. अच्छा लाल ही ले लिया सीधे. ब्लैक से सीधे रेड पे आ गए, क्या बात है. वेरी गुड वाली बात है. तो फिर पिंक दिल बना के किसको देना है ये. ये दिल राममोहन सिंह को जाएगा. ये शादी हुई थी तो मेरी शादी की फोटो तो रखा था. मैंने तो बड़े अच्छे पति है. बाद में पता चला ये तो भगवान की फोटो रखने लगा. ये दिल ले ली तो बजाओ साथ देना. अब भगवान की रख. अब वो कहते हैं भगवान बचाए. नहीं पता चला कहीं की दिल्ली लेके चली गई. अब एक्स वापस करना था. तुम दिखाओ अपना दिल. देखो लाइक भैया मेरे को एक और लेग, मेरे को प्रैक्टिस में एक और बनाना है. एक और पेपर मिल जाएगा. आप दिखाओ भाई काले दिल वाली. दिल वेरी गुड. अच्छा बना है, सबका अच्छा बना है. आज के पत्ते की तरह लग रहा है. मैं भी चाहिए. मैंने टॉफी एक लूं. आप जितनी ले. अरे दो ले लेती हूँ. थैंक यू. बच्चे हैं बेचारे. इतनी चॉकलेटी क्यों. खुद खाओ खुद जान जाओ. चॉकलेटी खाओ खुद जान जाओ. नहीं ब्यूटी कम थी. ब्यूटी कम रहता है कि भाई साथ में रहने. मैंने नहीं कॉम्प्लीट किया. इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में उड़ा घुमाया. नोएडा स्टेडियम आ गई हूँ. अब यहाँ पे जो है तीरंदाजी का प्रोग्राम हुआ है तो उसमें मुझे बुलाया गया है बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए कि मेरे द्वारा उनको जो है मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाए. कनिका विद 618.4. Now
हमको तो डबल चीयर बनता है बच्चा। मेरी फ्रेंड है ये अनीता नागर जो कि खेल अधिकारी है और मुझे जो है दिल देकर सम्मानित किया और दिल वाला गमला और वी आर नाउ हैप्पी कि एक मोमेंटो होता है जो कि आप हमेशा याद रखते हो और मुझे फ्लावर से बहुत ज़्यादा प्रेम है और उसने जो फ्लावर पॉट दे के मेरा दिल जीत लिया। ये मेरी फ्रेंड अनीता है और मैं यहाँ नोएडा स्टेडियम में आई थी और इसका प्रोग्राम हमेशा ही चलता रहता है, स्पोर्ट्स टीचर है। और आज तीरंदाजी का था ना, तीरंदाजी का था और जूनियर एंड सीनियर ग्रुप दोनों का ही था, तो उस चक्कर में मतलब एक अच्छा इवेंट था इसका, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई, मिस कर गई। और आज ही सेम डे पुलिस लाइन में भी हमारा प्रोग्राम था, बच्चों का एबेकस क्लासेस की थी तो उस वजह से लेट हो गई, लेकिन जितना भी मैंने देखा बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी मेहनत भी करती है और दैट्स अ गुड। कोई टाइम से क्राइसिस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आ गई। अच्छा थैंक यू। हाँ क्योंकि स्पोर्ट्स हमेशा लोगों को एनर्जी देता है, तो आप कोई भी एक स्पोर्ट्स जरूर फॉलो कीजिए, चाहे आप जो भी जिसमें भी इंटरेस्टेड हो और विथ पैसन के साथ कोई भी काम करिए, गेम हो चाहे जो भी रीडिंग, आप पैसन के साथ खेलोगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए और हेल्थ वाइज भी। पर पूरे दिन मैं बिजी थी और नोएडा स्टेडियम में इस समय हूँ और आज की वीडियो मेरी सारी स्पोर्ट्स पे ही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बहुत थक गए हम, जा रहे हैं सीधे घर और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है पर डिनर बाकी है, और सॉरी लंच बाकी है, और देखते हैं कितनी देर में हम घर पहुँच पाएंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी 2:30 हो गए हैं, काफ़ी हम लेट हो रहे हैं और मैं इसको बोली जल्दी कर। नहीं बेगर को दे दूं, कोई नहीं नहीं था तो क्या करूं, इसको दे दे। बाय। अब ये जा रही है, पता नहीं कब आएगी। और सारे वीडियो कॉल कर करके थक गए हम लोग, अपनी फ्रेंड को कोई फोन नहीं उठा रहा है। मिलते हैं किसी दिन।